हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज का दूसरा दिन है, आज मंडे है। तो अभी सुबह हो चुका है, काफ़ी काम मैंने कर चुकी हूँ मैं घर का सारे काम। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीने जाऊँगी। ऐसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट कभी कभी पी लेती हूँ क्योंकि मन करता है, इसलिए मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, मैं बना चुकी हूँ। मैं भी हमारा वो है, आप ढोकला कह सकते हैं, ढोकला इडली, क्योंकि मेरे पास कोई टिफ़िन ऐसा कुछ स्टील का बर्तन ऐसा कुछ नहीं है बड़ा साइज़ में जिसमें मैं ढोकला बना सकती हूँ। तो इसलिए मैंने जो इडली का मोल्स होता है ना, मेरे पास मीडियम साइज़ के, जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैंने उसमें ढोकला बनाया। आज हमारा मूड हुआ ढोकला खाने का, तो मैंने उसी पे बना लिया। बहुत अच्छे से बन के निकला है और बहुत ही स्पंजी, आप देख सकते हो, देखने में बहुत स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बना है मेरा। तो यहाँ भी मेरे पास मैं अभी मेरा पूरा ही ख़त्म हो चुका है रेड मिर्ची। और अभी मार्केट में नहीं खुला है यहाँ पे ज़्यादा मार्केट, और जो कुछ कुछ खुला है उसमें सारे सारे दुकान में, किसी किसी दुकान में है, किसी किसी दुकान पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं करी पत्ता और राई का तड़का उसमें दे रही हूँ और दे चुकी हूँ अभी। तो हम इसको इन्जॉय करेंगे। आप देख सकते हो कैसा बनाया गया है, ये है मेरा ढोकला वाला इडली। आप इसको ढोकला इडली भी बोल सकते हैं, मैं नया नाम दे रही हूँ इसको। और इन्जॉय करेंगे साथ में इसके साथ। मैंने कोई ठंडे तरीके से नहीं खा रहा। ये हमारा जो आज मैंने बना के इमली का चटनी है, मीठा खट्टा चटनी है, मीठी खट्टी चटनी है, जो मैंने ऑलरेडी बना के स्टोर कर दिया है टिफिन बॉक्स में। एयर टाइट डब्बा है ये, इसमें मैं ऑलरेडी स्टोर करती हूँ। और यहाँ पे हम खाने को रेडी होने वाले हैं। सो ये चटनी बहुत टेस्टी बनाया गाइस, आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है। खासकर सॉरी ढोकला, इडली वाला ढोकला के साथ ट्राई किया, बहुत बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि इसमें थोड़ा माइल्ड टेस्ट है और इसमें थोड़ा खट्टा और मीठा का कॉम्बिनेशन है चटनी में। तो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया खाने में। आप भी कभी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी लाने वाली हूँ चाय लाने के लिए। तो यहाँ पे जा सके, मैंने ऑलरेडी बता चुका, कह चुकी थी कि मैं चाय बना चुकी हूँ। तो ये मैं सिर्फ अकेले अपने लिए बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी अपना चाय इंजॉय करूँगी और बस लंच की तैयारी में लग जाऊँगी मैं। और आजकल क्या है, मुझे मैं चाय ले ली हूँ। अब मैं पे दोपहर का खाना वाना हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे मैं आज शाम को, अभी शाम के सॉरी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे नमकीन बना रही हूँ। पता तो है ना, अभी सबके घर का हाल यही हुआ है लॉकडाउन के चक्कर में। मतलब घर में किसी को ये, किसी को वो, तो हम कमी मेंबर रहते हैं। बट हमें खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो मैं अभी नमकीन बना रही हूँ, एक सिंपल नमकीन बना रही हूँ नमक वाला, और एक मसाला पापड़ी बना रही हूँ, जो हम ऐसे मतलब कभी खाने के लिए अच्छा लगता है। कभी ऐसे कुछ अगर मन हुआ शाम के टाइम पे खाना, तो मैं उसके लिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। आधा मैं बना चुकी हूँ, ये मेरा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, तो मैं उसको तैयारी कर रही हूँ अभी इसका। और यहाँ पे ये मैं मसाले के लिए रेडी कर रही हूँ, मसाला पापड़ी के लिए, जो मैं छोटा सा कटर है कटोरी शेप में, मैं उसी से काटूँगी उसको और उसको बनाऊँगी। तो इसको मैं अलग कर लूँगी, इसे कट कट करके इसको मैं एक साइड कर लूँगी। इसके बाद उसमें चम्मच लगा चलाऊँगी। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी मुझे निकालना है। तो ये हम बहुत ही कम बनाते हैं, बट हम मार्केट से ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, घर पे ही बनाते हैं क्योंकि घर में बनाना ईजी होता है। और अभी जो सिचुएशन है बाहर का, अभी बाहर हम निकल नहीं सकते हैं और कुछ कुछ जो दुकानें हैं गलियों में उसमें अवेलेबल नहीं है, तो हम घर पे ही बना लेते हैं। और ऐसा जब नमकीन और ये सारी चीज़ें जो बना खाने का होता है, तो वो हम घर पे ही बना लेते हैं। ये मसाला पापड़ी बनाने के लिए, और ये मेरा नमक का नमकीन के लिए है। अभी लॉकडाउन का सीज़न है, तो हमें अभी सीज़न नहीं बोलूँगी, सॉरी, ये लॉकडाउन का टाइम है। तो हमारे घर में अभी स्नैक्स टाइम पे ये मैंने बनाया है, ये मसाला पापड़ी है, थोड़ा तीखा है, ये मैं अभी बनाने जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। ले लूँगी एक एक करके, और इसमें इसको मैं
दोनों साइड से ऐसे करते रहोगे ताकि ये हवा ना हो इसमें, नहीं तो ये फिर आपका पूड़ी की तरह हो जाएगा। तेल गरम हो गया है मेरा और अब मैं इसको डालूंगी, थोड़ा सा कम कर दूंगी क्योंकि नहीं तो फिर ये इसको आँच को मैं तेज कर लूँगी, लाऊंगी थोड़ी देर। ये हमारे घर में मैं रेगुलर ही बनाती हूँ, हम बाहर से बहुत कम ही खरीदते हैं क्योंकि घर में जब बन जाता है तो फिर बेटर है घर पे बनाना। कभी आप देख सकते हो ये मैंने बनाया है पहले और भी इसका बना के रख चुकी हूँ, फिर अभी और बना रही हूँ, फिर मसाला पापड़ी बनाऊँगी साथ में ताकि शाम का स्नैक्स हो जाता है हमारा। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसे डालूंगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने रेडी करके रखा है, इसका पूरा दोनों साइड से इसको इसको मैं डालूंगी। दोपहर का 3 बज रहे गए और मैं अभी ये सब सारी चीज़ें तैयारी कर रही हूँ ताकि घर पे और टाइम नहीं है बनाने को ये सब चीज़ें, अभी खाली बैठी हुई थी इसलिए मैं ये सारी चीज़ें तैयारी कर रही हूँ। ये कभी कभी मैं इसका जो मैंने आपको दिखाया था ना, शेयर किया था मैंने पापड़ी चाट, तो मैं उसके लिए नॉर्मल बनाती हूँ, बट ये मुझे बनाने का मन हुआ आज कुछ मसाला ताकि ऐसे ऐसे भी खा सके हम लोग चाय के साथ कॉफ़ी के साथ, अच्छा लगता है। उसको जब भी आप बनाए ना तो फिर तो एकदम धीमी आँच, ज़्यादा धीमी नहीं, एकदम मीडियम फ्लेम में पका उसको छोड़ दीजिएगा ऑयल को, क्योंकि अगर क्योंकि ये पूड़ी जैसा नहीं बनाना है हमें, पूरा पापड़ी बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें इसका थोड़ा टाइटनेस जो रहता है पापड़ी में, कुरकुरापन तो जो हम खास्ता करते हैं उससे आ ही जाता है, बट जो टाइटनेस है वो स्लो मीडियम ऑयल में ही आता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेम पे ये पकाओगे ना फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसका पापड़ी की तरह नहीं फील होता है, ऐसा नहीं बन पाता, इसलिए एकदम मीडियम फ्लेम में कभी बनाइएगा। मैं पापड़ी बाज़ार से ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ जब मूड करता है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, बट जैसे कोलकाता में हर जगह अवेलेबल होता है यार, मूड नहीं हुआ तो आप बाहर जाके खा सकते हो, बट यहाँ जैसे इस ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं हैदराबाद में ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलते हैं और मैं इसलिए इस सब चीज़ें को घर पर बना लेती हूँ, ईजी है, थोड़ा सा टाइम लेता है पापड़ी में खास, तो नमकीन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता,
बट पापड़ी में बहुत टाइम लगता है। रेडी हो चुका है मेरा पापड़ी, मैं सारे यहीं पे नमकीन वाले प्लेट में रख दूंगी। तो गाइस ये था आज का मेरा ब्लॉग, शाम तक का ब्लॉग था ये मेरा। और आप लोग कभी भी लॉकडाउन के टाइम पे क्या क्या कर रहे हो घर पे, मुझसे भी शेयर कीजिए। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहे। टिल देन बाय।